समाजवादी पार्टी महानगर इकाई द्वारा सपा प्रमुख अखिलेश यादव, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के आह्वान पर 16 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रयागराज के सदर तहसील पर महानगर अध्यक्ष मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करते हुए महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी सदर को सौंपा। 3 घंटे तक चले धरना प्रदर्शन में मोदी और योगी सरकार पर जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख चुनाव से चुनाव में शासन सत्ता के दम पर हुई धांधली झूठी जीत पर पीठ थपथपाने पत्रकारों पर खुलेआम भाजपाई गुंडों का हमला, महिलाओं का उत्पीड़न, बेरोजगारों को नौकरी देने सहित अनेक मुद्दों पर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। सपा के प्रदर्शन को देखते हुए धरना स्थल को पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया गया। धरना स्थल पर ही जिलाधिकारी को बुलाने की मांग करते हुए लोगों ने जमकर नारेबाजी की। उप जिलाधिकारी सदर को महासचिव रविंद्र यादव ने 16 सूत्रीय मांग पत्र पढ़कर सुनाया। आज पूरे सूबे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव के निर्देश पर हर जिला तहसील हेडक्वार्टर पर 16 मांगों का ज्ञापन दिया गया, जिसमें पहली मुख्य मांग थी जिला परिषद चुनाव ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में धांधली, जिसमें जबरन गुंडागर्दी पर सदस्यों से वोट हासिल करने की कोशिश की गई, गैंगस्टर एक्ट उनके खिलाफ लगाया गया, उनको मकान गिराने की धमकियां दी गई, उन्हें जेल में बंद करने के लिए हड़काया गया, उनके रिश्तेदारों नातेदारों को रात भर थानों में बैठाया गया, पत्रकार बंधुओं के साथ जिस तरह दुर्व्यवहार किया गया, एक CDO जबरन मारपीट कर रहा है, एक CO साहब को भाजपा गुंडों ने मारा जो खुलेआम चिल्ला रहे हैं कि यहाँ भाजपा के लोग बम कट्टा लेके आए हैं, हमको भी मारा है, कानून व्यवस्था पूरी ध्वस्त हो गई है, जिसके खिलाफ आज सारे प्रदेश में ज्ञापन दिया जा रहा है। महंगाई चरम सीमा पर है, पेट्रोल दाम बढ़ रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है, तेल का दाम बढ़ रहा है, शिक्षा एकदम ध्वस्त हो गई है, स्कूल कॉलेज बंद हैं, कोरोना को डरवा कर पूरे देश को तबाही और बर्बाद किया जा रहा है, लोग भूखमरी के शिकार हो गए हैं। इन सब तमाम मामलों को लेकर आज हम लोग धरना दिया है और 16 सूत्री मांग हम लोगों ने SDM के जरिए गवर्नर को भेजाया गया है, ताकि अगर हमारी मांगे न पूरी होगी तो हम पूरे प्रदेश में बृहद आंदोलन करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, जेल जाएंगे और लड़ाई हमारी जारी रहेगी। आज नारियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, उनका चीरहरण हो रहा है, उनको वोट देने नहीं दिया जा रहा है, जो महिला बचाओ के नारा लगा रहे थे आज महिलाएँ बेइज्जत हो रही हैं, उनकी अस्मिता पर हमला हो रहा है। इन तमाम मुद्दों पर हम लोगों ने आंदोलनरत हैं और ज्ञापन दिया है। सैयद इफ्तिखार हुसैन एडवोकेट, महानगर अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी इलाहाबाद। Thank you.